नमस्कार और स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। चलिए सीधा रुख करेंगे हरियाणा विधानसभा के सत्र की कार्यवाही का। मैं भी इंस्ट्रक्टर पूरे हैं जो सिखा सके, और दूधौला गांव के जो बच्चे हैं उनको, जो बेरोजगार है उनको उसमें नौकरी दिलाने का प्रावधान किया जाए जो पहले तय हुआ था। अध्यक्ष महोदय, जो दूधौला में जो अपने कौशल विकास यूनिवर्सिटी है, जो भी इसका क्राइटेरिया रखा होगा उस समय, और जो पिछली बार भी ये बात आई थी, जो भी होगा शिक्षा के क्षेत्र में जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से समय पर हम देखेंगे किस उस पर जा क्या एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है। हो गया भाई, बहुत हो गया। हाँ जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो ये ITI अब कहीं खुल रही हैं जी, और उनमें जगह भी है और बच्चे कुछ कम हैं, अगर उसके अंदर ही हमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर की अलग से कुछ प्रावधान करके वहां इसको खोलने का ग्रामीण क्षेत्र में। आपका सुझाव है या सुझाव भी है जी, मैं पूछ भी रहा हूं भी क्या ऐसी कोई योजना है कि जहां गांव ग्रामीण क्षेत्रों में नई ITIs बनी है वहां पर जगह भी है और बच्चे कम आ रहे हैं, अगर वहां पे भी हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर साथ में शुरू कर दें इन एडिशन, तो मुझे लगता है कि ITIs के नाते भी वहां जगह यूटिलाइज हो जाएगी और बच्चों को एक अच्छा एक नया जो है मौका मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सुझाव भी देना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि एक ऐसी कोई योजना है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जो असीम गोयल ने सुझाव दिया है इस तरह के, हम जहां भी इस तरह के कहां जहां बच्चे कम हैं या दूसरे क्षेत्र में इस तरह काम पर गुजरते हैं। श्री विनोद भियाना जी। अध्यक्ष महोदय, आसी शहर के बाहर हरियाणा राज्य भंडार निगम के गोदाम को स्थानांतरित करने के लिए निगम के विचार के तहत कोई प्रस्ताव नहीं है। नंबर दो, हरियाणा राज्य भंडार निगम के खाद्यान्न गोदाम आसी शहर की मुख्य आबादी वाले क्षेत्र में नहीं है। स्पीकर सर, जो ये गोदाम बने हुए हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा, ये गोदाम बने हुए हैं बिल्कुल सेक्टर 6 है, हुड्डा का डेवलप सेक्टर है, गोदाम के चारों ओर आबादी है, भीड़ भाड़ का क्षेत्र है, और विशेष बात यह है बरसात के दिनों में उन गोदामों से बहुत बड़ी दुर्गंध उठती है और एक सिरसी नाम का जीव पैदा हो जाता है, पूरे हुड्डा को वो सिरसी अपने घरों में घुस जाती है और वहां के लोगों का रहना दुश्वार हो जाता है। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में उन गोडाउन को वहां से शिफ्ट करके कहीं पास दूसरी जगह पे, क्योंकि हमारे हांसी शहर के नजदीक हरियाणा कृषि विभाग की जमीन भी है, अगर ये वहां शिफ्ट कर दें तो जन कल्याण के लिए बहुत उत्तम कार्य होगा। स्पीकर सर, हमारे गोदाम जो है पहले के बने हुए हैं और बाईपास के ऊपर है, अब हुड्डा का सेक्टर आसपास में बना दिया तो भंडार निगम की तो इसमें कोई गलती है नहीं, ये गोदाम बहुत जरूरी है। और मुख्य सड़क के ऊपर है, सेक्टर के अंदर नहीं है, जो बाईपास की सड़क है उस पर इनका फ्रंट लगता है। फिर भी अगर विधायक महोदय कहते हैं तो हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे, अगर हमारे विभाग को घाटा नहीं होगा। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही जारी, दूसरा दिन कार्यवाही का, महिला दिवस पर महिला विधायक सदन का संचालन करने की जानकारी भी सामने आई है। तो बजट का दूसरा दिन है बजट की कार्यवाही का और इस दौरान प्रश्नकाल जारी है। उद्यमी मीडिया से खास बातचीत में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा अविश्वास प्रस्ताव में तमाम विधायकों के चेहरे साफ हो जाएंगे, कौन कृषि कानूनों के पक्ष में है कौन विपक्ष में है। वहीं G23 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जाने के मामले पर शैलजा ने गेंद कांग्रेस आलाकमान के पाले में डाली। उन्होंने कहा हरियाणा स्तर पर मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा मैम हमारे साथ हैं। मैम, ये पहला सवाल, जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, हरियाणा सरकार की तरफ से भी तमाम कार्यक्रम रखे गए और विधानसभा का जो बजट सेशन चल रहा है वहाँ भी महिला विधायकों से सेशन चलाने के लिए एक सम्मान के तौर पर दिया जाएगा कि कैसे महिलाओं को, लड़कियों को हम आगे लेकर आएँ, क्योंकि अभी भी ज़रूरत है सपोर्ट की, सहयोग की,
और हम चाहेंगे कि पूरा समाज उसमें सहयोग करे। हरियाणा में और सम्मान मिल रहा है महिलाओं को, मतलब सरकार जो कह रही है कि हमने 50% रिजर्वेशन दे दिया पंचायत चुनाव की अगर बात की। 50% देकर आपने सीलिंग लगा दी है, 50% से ऊपर क्या महिलाएं नहीं आ सकती अगर उनमें प्रतिभा है और अगर वो चाहें तो? आपने सीलिंग क्यों लगाई है, उसे ऊपर भी आना चाहिए। कैप्टन, जिसे कप्तान कहा जाए, अध्यक्ष हैं आप, अविश्वास प्रस्ताव की क्या तैयारियां, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस के तो विधायक हैं ही, क्या कोई और भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जाकर वोट करना या फिर अपनी आवाज उठा सकते हैं? ये एक मौका है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कि बहुत से विधायकगण ऐसे हैं जो अलग से अपने विचार दे चुके हैं इन तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ या सरकार की कारगुजारी के खिलाफ, तो उन्हें अब बाहर आना चाहिए। उन्हें मौका मिला है कि सदन में अपनी बात रखें, रिकॉर्ड पर आएं। आप लोग अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं, G23 के नाम पर कांग्रेस को घेरने का काम सत्ता पक्ष करता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर साफ तौर पर कहते हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए था, अब ये परिस्थिति उल्टा आपसे कहते हैं कि आपके घर में ही विश्वास नहीं। देखिए, वो अपनी बात को छुपाने के लिए पहले ये बता दें कि इनमें मंत्रियों में और मुख्यमंत्री में कितना विश्वास है आपस में। पहले अपनी बात करें, अपने गिरेबान में झांकें। कैमरामैन भारत भूषण के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस नेत्री गीता भुक्कल ने राज्यपाल के अभिभाषण को निराश करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। हरियाणा विधानसभा सत्र के आज दूसरे दिन, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो महिलाओं के हाथ सदन की कार्रवाई की कमान होगी। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस की विधायिका गीता भुक्कल मौजूद हैं। मैम, आज सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं, और सदन में आज कितनी दमदारी से महिलाओं का जो एक वर्चस्व है वो नजर आएगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। न केवल 8 मार्च को बल्कि 365 दिन महिलाओं को याद रखना चाहिए, उनके कामों को याद रखना चाहिए। हमारा वो देश है जिसने प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति देने का काम किया है, प्रधानमंत्री देने का काम किया है, स्पीकर देने का काम किया है, लीडर ऑफ अपोजिशन देने का काम किया है, डिफेंस मिनिस्टर देने का काम किया है, फाइनेंस मिनिस्टर देने का काम किया है। हमारी महिलाएँ जो हैं वो अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक और हर फील्ड में वो बहुत ही अच्छे से एक्सेल काम कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा विधानसभा में भी एक निर्णय लिया गया है कि आज महिलाएं चलाएंगी, तो मैंने जैसा कहा है, महिलाएं सक्षम है, उन्हें केवल मौका देने की आज के समय में जो है जरूरत है। क्योंकि अगर स्पेसिफिकली सदन की बात करें तो राज्यपाल के जो अभिभाषण है उस पर चर्चा होनी है, क्या लगता है आपको कि महिलाएं आज चूंकि कार्यभार उन पर रहेगा तो आप किस तरह से अपनी बात आज सदन में रखेंगी, किस तरह के मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जाएगा? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय का जो खुद का अभिभाषण था वो बहुत ज़्यादा नीरस था और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स तो वो सरकार की गिना नहीं पाए हैं, लेकिन क्योंकि आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू भी होनी है, साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने की वजह से महिलाओं को उसमें जो है समय भी अधिक मिलेगा ऐसा कहा जा रहा है। जिस तरह एक महिला अपने सारे परिवार का ध्यान रखती है, अलग अलग भूमिकाएं निभाती है, वैसे आप भी सभी हरियाणा के जितने भी मुद्दे हैं उन सब पर फोकस, और आज बिल्कुल इस बात पर फोकस रहेगा। और आज विशेष तौर से देखना होगा कि जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जो हमारे अन्नदाता है उसमें हमारा जो महिला किसान है आज सारी की सारी कमान जो है इस आंदोलन की वो लोग संभाल रही हैं, पूरी ट्रैक्टर यात्रा जो है महिलाओं के हाथ में है, तो महिलाएं जो देश चला सकती हैं वो तो आंदोलन तो अच्छे से चला ही सकते हैं और हमारा समर्थन पूरी तरह से उनके साथ है। कांग्रेस अपनी विधायकों का जो विश्वास है वो नहीं ले पा रही, तो वो सरकार के खिलाफ कैसे अविश्वास? कोई बात नहीं, अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है ना, उस पर चर्चा होगी, देखते हैं सरकार कितनी मजबूती से खड़ी रहती है। आज जो है सारे के सारे विधायकों ने, 28 से ज्यादा विधायकों ने किया है, एक विधायक जो है उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं आ पाए, 28 लोगों के साइन है उस पे। सरकार पहले अपनी बात दे। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित में लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी और विशेष तौर से जो हमारा किसानों के तीन कृषि कानून जो लेकर आए हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस समय स्टे दिया हुआ है, उसको लेकर हम ये देखना चाहते हैं कि कौन विधायक जो जनप्रतिनिधि है वो किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी का साथ देता है और कौन विधायक जो है किसानों के खिलाफ होकर उस विश्वास प्रस्ताव, जो अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आते हैं, पता चल जाएगा कि कौन किसानों के साथ है और कौन खिलाफ है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। उधर चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा समेत शिक्षा मंत्री कंवरपाल भी मंच पर मौजूद रहे। मौके पर सीएम मनोहर लाल ने पोषण अभियान के तहत कुपोषण अनीमिया से लड़ने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कामकाजी महिलाओं को अनुकूल माहौल देने और उनके बच्चों की देखभाल के लिए 30 मॉडर्न क्रेच का शुभारंभ भी किया।
हमारे साथ आज देश की कुछ प्रतिष्ठित गैर